हेलो, माय नेम इज श्रीतेश श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो एक सब्सक्राइबर है मेरे जिनका नाम है सितारे यादव, जो मेरे हर वीडियो पे एक कमेंट करते हैं और वो कमेंट ये है कि मुंबई में एक्टर्स को कैसे स्ट्रगल करना चाहिए उस बारे में कुछ बताइए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, क्योंकि बार 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 वो ये मैसेज कर रहे हैं मेरे को। तो मैंने सोचा कि शायद ये वीडियो मैं बना दूंगा तो उनके मैसेज आने कम हो जाएंगे और उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हालांकि मैंने फ़ोन पे भी उनसे बात की है और उनको जितना हो सकता है मोटिवेट करने की कोशिश की है, काफ़ी तरीके बताए हैं, बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि और भी लोग हैं जिनको एक्टिंग के बारे में जानना है और एक्टिंग में कैसा स्ट्रगल है वहाँ पे मुंबई में उस बारे में जानना है, तो उस बारे में उनकी हेल्प करूँगा। तो मैं आपको कुछ 15 तरीके बताऊँगा जो आपको हेल्प करेंगे मुंबई में एक्टिंग में स्ट्रगल करने के लिए। एक्टर को क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है और कैसे उनसे वो डील करे उस बारे में आपको बताऊंगा। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि डोंट एवर थिंक अबाउट इनएविटेबल। इनएविटेबल इन द सेंस कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो किसी के पास भी पैदाइशी नहीं होते हैं। वो कुछ लोग पैदा होते हैं तो ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं जहाँ पर उनके पास रिसोर्सेज होते हैं या कनेक्शंस होते हैं या फिर ऑलरेडी बहुत पैसा होता है, तो उनके लिए वो चीज़ें इजी हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ वो सारी चीज़ें हो, आपके पास होता है रिसोर्सेज कनेक्शंस मनी ना हो, पर इसके बाद भी आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि क्या सोचने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो इसलिए इनके बारे में सोचने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इनएविटेबल चीज़ें कि मतलब सूरज यहाँ ईस्ट से क्यों निकलता है, वेस्ट से क्यों नहीं निकलता है, ये सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें हो ही नहीं सकती, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, उस चीज़ को सोचे कोई फ़ायदा नहीं। तो पहला रूल जो मैं आपको एज एन एक्टर बताऊंगा कि जब आप मुंबई पहुंचे तो उन चीज़ों में अपना दिमाग ना लगाएं जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। अब ये ध्यान दें कि वो चीज़ आप कैसे एक्वायर करें, पैसा कैसे एक्वायर करें, रिसोर्सेज कैसे एक्वायर करें, कनेक्शंस कैसे बिल्ड करें, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसके अलावा एक और जो सेकेंड पॉइंट है वो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ईगो और सेल्फ एस्टीम एक एक्टर का बिगेस्ट एनिमी है। इसको कभी भी लेकर मुंबई मत जाइए। अगर आप इसको लेके जाएंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पीछे आपको लगातार पड़ना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज में आपको बार बार जाना पड़ेगा, बार बार ऑडिशंस देने पड़ेंगे, बार बार रिजेक्शंस होंगे, बार बार बेइज्जतियां होंगी, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, पर उसके बाद भी आपको ईगो नहीं दिखाना है, आपको सेल्फ एस्टीम लेके नहीं जाना है। जो करियर के शुरुआत में जो आदमी बहुत सारा सेल्फ एस्टीम और ईगो दिखाता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। आपको अकड़ के नहीं रहना है, आपको यूकेलिप्टस के पेड़ की तरह नहीं रहना है, आपको बांस के पेड़ की तरह नहीं रहना है कि एकदम खड़े हैं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं किसी के सामने अपने आप को दबाऊंगा नहीं, मैं अपने रूल्स पे चलूंगा, मैं अपने प्रिंसिपल्स पे चलूंगा। कोई रूल्स एंड प्रिंसिपल्स मुंबई में वर्क नहीं करते, किसी को घंटे से फर्क नहीं पड़ता कि आपके क्या रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं। आप जो करना चाहते हैं आप उस पर फोकस करें और अपना ईगो किनारे कर दें। अगर कोई आपकी बेइज्जती भी करता है या आपसे कोई बात करना बंद कर देता है या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है या आपके फ़ोन कॉल नहीं उठाता है, इट डजेंट मीन कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि वो उस टाइम पे मूड में नहीं हो बात करने का, और ये भी हो सकता है कि उसके पास हज़ारों फोन्स आते हों। जैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास हज़ारों फोन आते हैं स्ट्रगलिंग एक्टर्स के, तो सबके फ़ोन अटेंड करना इम्पॉसिबल होता है, हज़ारों मेल्स आती हैं, सबके मेल से रिप्लाई करना भी उनके लिए इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए ईगो और सेल्फ एस्टीम आपके बिगेस्ट एनिमी है, इनको छोड़ के जाओ, आपकी कोई इज्जत नहीं है। जब तक आप बहुत बड़े स्टार नहीं बन जाते हो आपकी कोई इज्जत नहीं है। तो इज्जत का पुलिंदा अपने सिर पे लेके मत जाओ कि मैं बड़ा रिस्पेक्टेड आदमी हूँ, मेरी अपने गांव में बड़ी इज्जत थी, मैं प्रधान का बेटा था, मैं बैंक अफसर का बेटा था, तो मेरे को यहाँ पे भी वो इज्जत मिलेगी। वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है मुंबई में। ऐसा कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप किसके बेटे हो, आप कहाँ से आए हो, आपके क्या रिसोर्सेज हैं, आपके बाप क्या करते थे, दादा क्या करते थे, आपके घर में कौन कौन IPS में है, IAS में है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ ये सोच के जाओ कि मुझे एक्टर बनना है और वही गोल होना चाहिए। ईगो और सेल्फ एस्टीम पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। तीसरी चीज़ ये है कि आपको सबसे मिलना चाहिए, मीट everyone, डोंट सिट एट होम। बहुत सारे लोग होते हैं जो कमरे में बैठे बैठे दारू पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं और डिस्कस करते रहते हैं कि मुंबई कितनी ख़राब है, इंडस्ट्री कितनी ख़राब है, प्रॉब्लम्स कितनी सारी हैं। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जिससे आप मिल सकते हो, इवन वो फिल्म लाइन का भी नहीं है, आपको नहीं पता कौन आपकी कहाँ पे कैसे हेल्प कर सकता है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मुंबई इज़ अ मैजिकल प्लेस, वहाँ कभी भी कैसे भी किसी की भी कैसे भी हेल्प हो सकती है। इसलिए आप जितने लोगों से मिल सकते हो उतने लोगों से मिलो। मुंबई की पॉपुलेशन 2 करोड़ की है, तो आप ये टारगेट रखो कि मैं मुंबई में जब जाऊंगा तो अगले 2 साल के अंदर 10,000 लोगों से मिलूंगा। अगर 10,000 लोग मुंबई में आपको जानते हैं तो 2 करोड़ लोगों में से जाहिर सी बात है सब लोग फिल्म इंडस्ट्री के नहीं है। तो चलिए पकड़ लेते हैं कि चलो 10 लाख लोग, चलो 5 लाख लोग, 10 लाख भी ज्यादा हो गया, 5 लाख लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो उसमें से अगर आपको 10,000 लोग भी जानते हैं तो आप कितने रिसोर्सफुल हो जाओगे, कितने कनेक्टेड हो जाओगे। तो आप जिस भी मिल सकते हो, हो सकता है करण जौहर आपसे ना मिले, आदित्य चोपड़ा आपसे ना मिले, शाहरुख खान आपसे ना मिले, कोई बात नहीं, आप प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव से मिलो, प्रोडक्शन मैनेजर से मिलो, स्पॉट बॉय से मिलो, सेटिंग वालों से मिलो, आर्ट डायरेक्टर से मिलो, प्रोडक्शन डिजाइनर से मिलो, कैमरामैन से मिलो, असिस्टेंट कैमरामैन से मिलो, असिस्टेंट एडिटर से मिलो,
जिससे भी मिल सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड से मिलो, इवन जो सिक्योरिटी गार्ड प्रोडक्शन हाउसेज के बाहर बैठा रहता है उनसे भी जाके बातें करो। मैंने उनसे भी बातें करी हैं, उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो सिक्योरिटी गार्ड से जाके बातें करो, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ही वो बैरियर है, वो स्क्रीन है जो आपको अंदर नहीं जाने देता है। यशराज में मैं एक बार गया था, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती कर ली। पता चला वो यूपी के किसी गाँव का है, तो मैंने बोला कि मैं भी उसी गाँव का हूँ, झूठ बोला था, पर उससे मेरी दोस्ती हो गई। फिर उसने मुझे पूछा क्या चाहिए, तो मैंने कहा स्क्रिप्ट अंदर पहुँचानी है। उसने कहा तू लग जा, मैं पहुँचा दूंगा। तो सिक्योरिटी गार्ड से बदतमीजी करने के बजाय उनसे आप हेल्प मांगो तो वो आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए सबसे मिलना ज़रूरी है, सबसे बात करना ज़रूरी है। पर इसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि सबसे काम की बात मत करिए, क्योंकि जब आप लोगों से काम मांगते हैं ना तो वो आपको काटने लग जाते हैं, क्योंकि किसी के पास काम होता नहीं है। मुंबई में हर कोई एम्प्लॉयर नहीं है, या हर समय किसी के पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहा होता है। तो अगर आप बार बार काम मांगते हैं तो सामने वाला आपको अवॉइड करने लगता है कि यार नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो भी एक काम मांगने लगेगा। तो अगर आप किसी को देने के बजाय किसी से चीज़ें मांगते रहते हो तो वो आदमी जाहिर सी बात है आपको एक समय के बाद काटने लगेगा। तो प्लीज़ काम मत मांगे किसी से, ये मैं आपको बहुत अच्छा रूल बता रहा हूँ। आप डेस्परेट हो जाओगे, आप इरिटेट हो जाओगे, क्या पता है ऐसा मोमेंट आया, ब्रेक हो जाओ और आप एंड में किसी बड़े आदमी से मिलो और बात करते करते आप एकदम से उससे काम मांग लो और वहीं पे आपकी सारी डील खत्म हो जाएगी। तो एंड तक कभी भी काम मत मांगिए, कितना भी डेस्परेशन हो, कितना भी काम की ज़रूरत हो और कितना भी पैसों की ज़रूरत हो, कभी भी काम मत मांगिए। लोगों से मिलिए जस्ट बिकॉज यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम, इसलिए उनसे मिलिए। चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पार्टीज अटेंड करने का मौका मिलता है या ऐसी गैदरिंग्स अटेंड करने का मौका मिलता है जहाँ पे आप लोगों से मिल सकते हो तो वहाँ जाके मिलिए, और एक्सपेंसिव जगहों पे जाओ, मतलब कि जैसे ओरस है, फिरंगी पानी है, या फिर ऑर्चिड है साउथ बॉम्बे में, वहाँ पे जाके जो जहाँ पे फिल्म लाइन के लोग बैठते हैं, अगर आपको एक्सेस मिलता है वहाँ पे जाने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसिव पॉश रेस्टोरेंट है जहाँ सबको एक्सेस नहीं मिलता जाने का, और अंदर जाके जो प्राइसेस होते हैं मेन्यू में वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे कभी ऐसे ही जाके थोड़ी देर बैठिए, मेन्यू रीड करिए, जो सबसे सस्ता आइटम हो वो पिक करिए, उसके बाद दोबारा आइए और वहाँ पे आते रहिए और सबसे सस्ती चीज़ ऑर्डर करते रहिए वहाँ पे। तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे वो आपको जब देखेंगे तो एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो वहां पे आप लोगों से मिलते हो, जैसी पार्टीज हैं जहां पे एक्सपेंसिव लोग मिलते हैं वहां पे जाके उन लोगों से मिलिए या बात करिए, या फिर सिर्फ जाके बैठिए, सिर्फ अटेंड ही करिए। उन लोगों के साथ सिर्फ बैठ के ही आपका दिमाग बहुत ज्यादा खुल जाएगा। व्हेन यू सिट विद सम बिग ह्यूज पीपल हु आर वेरी रिसोर्सफुल, हु आर वेरी ह्यूज, हु आर रिच और फेमस, देन उनकी पार्ट का पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी का एक हिस्सा जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बनता है। तो अमीर लोगों के साथ बैठ के ना आप अमीर जैसा सोचते हो, सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठ के आप सक्सेसफुल जैसा सोचते हो, और फेलियर्स के साथ बैठ के आप फेलियर जैसा सोचते हो, लूजर के साथ बैठ के आप लूजर जैसा सोचते हो। तो एक्सपेंसिव पार्टीज, पॉश पार्टीज अगर अटेंड करने का मौका मिलता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको मौका मिल ही जाएगा कि आप वहाँ चले जाओगे, पर अगर कभी आपको किसी फिल्म का प्रीमियर अटेंड करने का मौका मिलता है या किसी फिल्म पार्टी में जाने का मौका मिलता है तो आप जाइए जरूर, भले आपका दोस्त आपको कहता है कि चल मेरे साथ, लाइक उसने फिल्म में कोई सपोर्टिंग एक्टर का काम किया, उसको किसी पार्टी में बुलाया गया और वो आपको अपने साथ लेना चाहता है, तो जाइए उसके साथ। ये मत करिए नहीं नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, मैं तो किसी को जानता भी नहीं। ये मत सोचिए कि मैं किसी को जानता नहीं। ऑफकोर्स आप मुंबई में इसलिए हैं क्योंकि आप किसी को नहीं जानते, आपको जानना ही है लोगों को और लोगों को अपने आप को जनवाना ही है। इसलिए जितनी भी पार्टीज में आप जाना जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, तो उनको जाके अटेंड करिए। इसके अलावा पांचवा पॉइंट ये है कि जब आप ऑडिशन करने जाते हैं तो ऑडिशन का सिर्फ एक मकसद लेके मत जाइए कि मुझे उस ऑडिशन में सेलेक्ट होना है। ऑडिशन का मकसद ये भी है कि वहाँ जाके आप फ्रेंड्स बनाइए, पांच छह फ्रेंड्स, जितने फ्रेंड्स हो सकते हैं आप उतने फ्रेंड्स बनाइए। पर मेरा ये रूल है कि आप जब भी ऑडिशन करने जाइए तो आप एटलीस्ट पाँच लोगों के नंबर लेके आइए, पाँच लोगों से दोस्ती करके आइए, क्योंकि ऑडिशन में जब आप जाते हैं तो तुरंत ऑडिशन नहीं होता है, बहुत देर, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, कई बार आपको बैठना पड़ता है। कई बार सुबह आप जाते हैं और शाम को आपका ऑडिशन होता है, पर आपको थ्रू आउट बैठना पड़ता है, आपको हाथ में पेपर दे देंगे वो आपको रटना पड़ता है। स्ट्रगल है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है, बट स्टिल आप उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन करिए। या एक घंटे में आपने अपनी स्क्रिप्ट याद कर ली तो आसपास घूम घूम के लोगों से बात करिए, जो भी लगता है कि विलिंग टू टॉक है। कई लोग होते हैं जिनकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि आपसे बात नहीं करेंगे, तो उनसे बात मत करिए। नेगेटिव लोगों से बात मत करिए, पॉजिटिव लोगों से बात करिए, उन लोगों से बात करिए जो आपसे बात करना चाहते हैं और आपको लगता है इनसे बात करिए कुछ फ़ायदा होगा, या इवन फायदा नहीं भी होगा तो भी आप उनके नंबर लेके आइए, क्योंकि जितने लोगों को आप जानेंगे अगेन वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि सबके पास अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, मुंबई में सबने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, सेपरेट ग्रुप्स हैं। आप उन जितने ग्रुप्स का हिस्सा बनेंगे उतने ज़्यादा ऑडिशन कॉल्स आपको पता चलेंगे कि यहाँ ऑडिशन हो रहे हैं। और इसके अलावा आपका एक कंपेनियनशिप बिल्ड होता है दूसरे लोगों के साथ। अगर आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे, अगर आप 10 लोगों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपका स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आपके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई है, आपको हेल्प करने वाला कोई है, और वो हेल्प जो होती है वो कई बार बहुत ज़रूरी होती है। तो इमोशनल हेल्प जो है, क्योंकि वहाँ आपके पेरेंट्स नहीं है, वहाँ आपकी फैमिली नहीं है, वहाँ आपके भाई, चाचा, मामा, माता पिता नहीं है, तो वहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए और कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके दोस्त मिलेंगे। सो इसलिए उन सब से दोस्ती बना के रखिए, जितने दोस्त बनेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। दोस्ती पे ध्यान दो, ह्यूमन रिलेशंस पे ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। आर्ट पे ध्यान देना ज़रूरी है, प्रायोरिटी है, बट सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, अगर आप कलाकार बहुत अच्छे हो, पर आप लोगों से डील नहीं कर पाते हो, आप लोगों से बदतमीजी करते हो, आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हो, तो आप कभी भी सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन सकते।
सक्सेसफुल बनने के बाद आप जो बदतमीजी करना चाहते हो आप करो, डजेंट मैटर, पर सक्सेसफुल होने तक आपको लोगों को मैनिपुलेट करके रखना है, लोगों से अच्छे रिलेशन बना के रखना है। इसके अलावा सिक्स पॉइंट है कि जितने भी फ्री सेमिनार्स, एक्टिंग वर्कशॉप वहाँ पे मुंबई में लगातार होती रहती हैं, चार बंगला आप जाएंगे तो वहाँ पे वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो जो इवेंट की वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी इवेंट की वेबसाइट्स हैं, बुक माई शो है और उसके अलावा भी बहुत सारी इवेंट की वेबसाइट्स हैं, उन सब में रजिस्टर कर लीजिए। और कहीं भी फ्री का इवेंट हो रहा हो, फिल्म लाइन से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड, कहीं भी कैसा भी इवेंट हो रहा हो, आप किसी भी फील्ड के हो, ये सिर्फ एक्टर के लिए नहीं है, किसी के लिए भी बता रहा हूँ, किसी भी फील्ड के हो आप जाइए उसको अटेंड करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे। लाइक आप एक्टर हो, आप डायरेक्शन के सेमिनार में जा रहे हो, तो वहाँ आपको डायरेक्टर मिलेंगे जो डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है, उसी में एक बंदा होगा जो आपका दोस्त बन जाएगा, वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहा होगा, वो कहेगा यार तू एक्टर है तू एक काम कर, मेरी शॉर्ट फिल्म ऐड कर ले, तो इसी बहाने आपकी शॉर्ट फिल्म तैयार हो जाएगी फ्री में। तो इसी तरह आप जो भी सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, भले वो एक्टिंग से रिलेटेड हो, डायरेक्शन से रिलेटेड हो, कैमरा से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आप वहाँ पे जाइए, लोगों से मिलिए। अगेन घूम फिर के फंडा वही है, आपको लोगों से मिलना है, जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। उसके अलावा आठवां पॉइंट ये है कि अपनी जेब में हमेशा सिगरेट रखिए और अपने घर में हमेशा विस्की रखिए। अभी आप सोचेंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि सिगरेट विस्की पी के दो लोगों के साथ टाइम मत वेस्ट करो। ऑफकोर्स उन लोगों के साथ जिनके साथ आप सिर्फ दोस्ती के लिए बैठते हो, सिगरेट दारू पी के मैं टाइम वेस्ट करते हो, उनके साथ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर वैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको सिगरेट पे दोस्त बन जाएंगे। एक्चुअली ह्यूमन टेंडेंसी है कि गलत चीज़ों पे हमारी दोस्ती बहुत जल्दी होती है, गलत हैबिट्स पे हमारी दोस्ती बहुत जल्दी होती है, गुटखे पे, सिगरेट पे, शराब पे लोगों की दोस्ती बहुत जल्दी होती है। आप किसी को 500 रुपये उधार दोगे वो आपका एहसान कभी नहीं मानेगा, पर अगर आप किसी को विस्की की बोतल दोगे तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रखेगा, यार इस आदमी ने मुझे विस्की की बोतल दी थी, इतना अच्छा इंसान है। अगर आप किसी को सिगरेट का डब्बा गिफ्ट कर देते हो वो आपको ज़िंदगी भर याद रखेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि सिगरेट, दारू और गुटखे पर सबकी दोस्ती होती है, इसलिए सिगरेट हमेशा अपने जेब में रखिए। अगर किसी के पास सिगरेट नहीं है तो उसको सिगरेट पिलाइए, वहीं से अपनी दोस्ती आगे बढ़ाइए। ज़रूरी नहीं है आप ज़िंदगी भर उसको सिगरेट पिलाते रहें, पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो ध्यान रखिए, वो ये कि पहला इंप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले किसने खाना खिलाया है, किसने पैसा निकाला है, वो सबको याद रहता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ खाने के लिए जाइए तो सबसे पहले पैसा निकालिए, फिर ज़िंदगी भर आप पैसा नहीं निकालेंगे तो आदमी को ये माइंड नहीं करेगा, क्योंकि उसको याद है कि पहली बार आपने पैसा निकाला था। पर अगर आपने वो मोमेंट मिस कर दिया तो ज़िंदगी भर आप वो इमेज क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इंप्रेशन में जब भी आप जहाँ पे हों, किसी के साथ हों, और आप चाय भी पी रहे हैं तो पैसा आप दीजिए, खाना खा रहे हो तो पैसा आप दीजिए। पहली बार, सेकंड टाइम वो देने की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि पहली बार में उसको पता है कि आप चीप नहीं हो। पहली बार में आपकी एक इमेज बना लेगा कि ये बंदा चीप नहीं है, हमेशा पैसे सबसे पहले निकल के देता है। सो पहली बार हमेशा पैसे दीजिए, पहली बार सिगरेट पिलाइए लोगों को, पहली बार दारू पिलाइए, और दारू जब पीजिए तो उन लोगों के साथ बैठिए, उन लोगों से डिस्कस करिए, उन लोगों से प्लान बनाइए, उन लोगों से मिलने का पॉइंट बनाइए, उन लोगों से प्लानिंग करिए कि आगे ऑडिशन कैसे करना है, स्ट्रगल कैसे करना है, लोगों से कैसे मिलना है। जो लोग आपसे पहले मुंबई आए हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, जो लोग आपसे पहले मुंबई आए हैं उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स भी होंगे, तो उनके कॉन्टैक्ट आपको हेल्प करेंगे और कॉन्टैक्ट जनरेट करने में, तो वो सब करना शुरू करिए। इसके अलावा जो लोग मुंबई जाते हैं वो कई बार इतने ज़्यादा फोकस हो जाते हैं ऑडिशंस और काम के ढूंढने में कि वो फिल्में देखना बंद कर देते हैं, थिएटर जाना बंद कर देते हैं। तो दिन भर आप अपना ऑडिशन दीजिए, काम करिए, जैसा भी आपको लगता है काम करना चाहिए, उसके बाद आप जाके अपना फिल्में देखिए, ऑडिशन करिए, जितना भी आप ऑडिशन कर सकते हैं, सॉरी ऑडिशन बोल रहा हूँ, थिएटर कर सकते हैं थिएटर देखिए। थिएटर ज़्यादा सारे के सारे शाम को ही होते हैं, 7 बजे के बाद होते हैं, तो दिन भर ऑडिशन देने के बाद थिएटर जाके एक प्ले देखिए। पृथ्वी थिएटर का माहौल बहुत अच्छा है, जहाँ पे सब लोग आपको मिल जाते हैं, इवन अनुराग कश्यप से लेके, विनय पाठक से लेके, रजत कपूर से लेके, सब लोग वहाँ बैठे मिल जाते हैं, इनसे आप बात कर सकते हो। वहाँ जाके अगेन डेस्परेट नहीं होना है और जाके उनसे फिर काम नहीं मांगना है। अगर आप उनसे जनरल बातें करोगे तो आपसे जनरल बातें करेंगे और आप उनकी टीम का हिस्सा बन सकते हो। मे बी दे विल ऑफर यू अ जॉब कि एक काम कर दो, हमारे साथ जुड़ जा, हम लोगों के साथ इस प्ले में काम करना शुरू कर दो। मे बी आपके पास इतनी नॉलेज होगी जिससे वो इंप्रेस हो जाए उस चीज़ से। तो मूवीज़ जाना और थिएटर देखना वो बंद मत करिए। हफ्ते में कोशिश करिए कि संडे को जब ऑडिशन नहीं होते हैं या जिस भी दिन ऑडिशन नहीं होते आप खाली हैं, तो दिन वेस्ट करने के बजाय आपको जाके फिल्म देख लीजिए या घर पे कोई फिल्म देखिए। अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते 300-400 रुपये थिएटर में जाके, तो घर पे फिल्म देखिए, पर फिल्में ज़रूर देखिए, थिएटर ज़रूर देखिए। अपनी आर्ट से जुड़े रहिए, चिपक के रहिए, जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे उस चीज़ के ऊपर उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। कई बार आप धर्मा प्रोडक्शन जाएंगे और जब से आपसे पूछा जाएगा कि यार तुमने कभी कुछ कभी गम देखी है, और अगर आपने नहीं देखी है तो वो वहीं से आपको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आप जिस भी प्रोडक्शन हाउस में जाते हो उस प्रोडक्शन हाउस की फिल्में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं, तो अगर वो सवाल आपको पता है तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा आगे जाना और सक्सेसफुल होना। और इसके अलावा 10th पॉइंट ये है कि आप जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं उनको मैसेज करते रहिए लगातार। कई लोग होते हैं जो एक दो मैसेज करते हैं, 4-5 मैसेज करते हैं, 10-20 मैसेज करते हैं, जितने भी मैसेज करते हैं ज़्यादा नहीं करते हैं, और उसके बाद वो डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनको रिस्पॉन्स नहीं आता है। रिस्पॉन्स
को अलग कर दीजिए, फल को अलग कर दीजिए, आप अपना कर्म करते रहिए। कर्मण्वादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचिन माँ फल कर्म भूमेतु माँ संघोष कर्मणि, मतलब फल की इच्छा मत करो, कर्म पे कॉन्सेंट्रेट करो। आपका काम है मैसेज करना, आप मैसेज करो। आप बिल्कुल भी इस पे ध्यान मत दो कि रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है, रिस्पॉन्स आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कई कई बार मेरे ऐसे ऐसे मैसेजेस हैं जिसपे मैंने 10-10 मैसेज किए हैं किसी किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, उनके रिस्पॉन्स नहीं आते थे, फाइनली उनके रिस्पॉन्स आने शुरू हुए। और मैं आपको ये एक और सच्चाई बताता हूँ कि बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके पास मेरे पास उनका नंबर है, और जब उनको मैसेज करता हूँ तो उनका रिस्पॉन्स हमेशा आता है, क्योंकि मैं कभी उनसे काम नहीं मांगता हूँ। मैं उनसे कुछ हेल्प मांगता हूँ या फिर एडवाइस मांगता हूँ या सजेशन मांगता हूँ या फिर कोई सपोर्ट मांगता हूँ, पर मैं उनसे कभी काम नहीं मांगता कि आप मुझे अपने प्रोडक्शन हाउस में काम दे दीजिए या अपनी फिल्म में कुछ काम दे दीजिए। तो आप मैसेज करते रहो, काम के लिए मैसेज मत करो, पर जनरल मैसेज करते रहो, हेल्प मांगो, सजेशन मांगो, एडवाइस मांगो, या जो भी आपको मांगना है वो चीज़ आप मांगिए, काम मत मांगिए, तो ज़रूर आपको इन सब के रिप्लाईज आएंगे, वो रिप्लाई ज़रूर आते हैं। तो इनको मैसेज करते रहिए, इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप मैसेज करते रहिए। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 11वां पॉइंट है वो ये है कि प्रोडक्शन हाउसेज विज़िट करते रहिए। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो 5-6 प्रोडक्शन हाउस विज़िट करते हैं, उसके बाद वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर प्रोडक्शन हाउसेज विज़िट करना बंद कर देते हैं। 1-2 बार से भाई काम नहीं होगा, आपको बार 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 प्रोडक्शन हाउस जाना पड़ेगा, मतलब होता है 10-20 बार चक्कर लगाने पड़े, तब जाके लोग आपको जानेंगे, तब जाके एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट होगी। लग भाई चांस में क्या हुआ था, फरहान अख्तर एक पार्टी में डिम्पल कपाड़िया ने उसको देखा था, फिर आगे जाके जब उसकी फोटो एक्टर्स की फोटो सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो उसकी फोटो देखती है और कहती है कि अच्छा इस लड़के को मैंने कहीं देखा है, इसको पिक्चर में ले लेते हैं। तो ऐसे ही आपकी किस्मत चमकती है कि लोग आपको जब देखते हैं तो माइंड मैपिंग क्रिएट होती है, वो आपका एक इमेज बना लेते हैं, भले ही आपकी उनसे बात नहीं हुई हो, अगर वो सिर्फ ऐसे नजर घुमा रहे और आपको आप उनको दिख गए तो आपके उनके आप उनकी आंखों में आपकी एक इमेज तो बनी जाएगी ना। जब वो बार बार प्रोडक्शन हाउस के बाहर, लाइक महेश भट्ट रोज विशेष फिल्म से बाहर निकलता है और रोज आपको वो देखता है, तो एक दिन तो वो पूछेगा भाई ये कौन है जो रोज बाहर बैठा रहता है, एक दिन वो कहेगा एक काम करो उसको अंदर भेजो, क्या काम है इसको, चलो इससे बात ही कर लेते हैं। तो ये कई बार बहुत लोगों के साथ ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं, तो इसलिए प्रोडक्शन हाउसेज लगातार विजिट करते रहिए। अपने कुछ सारे प्रोडक्शन हाउसेज विजिट करने की जरूरत नहीं है, जो 10-20 प्रोडक्शन हाउस आपको लगता है कि अच्छे हैं, लाइक शुरुआत के दिनों में जब आप मुंबई जाते हैं तो आप जितने प्रोडक्शन हाउसेज विजिट कर सकते हैं करिए, पर एक साल के बाद आपने 20-30 प्रोडक्शन हाउस फिक्स करिए और हर महीने उनको विजिट करते रहिए, जितना भी हो सकता है उनको विजिट करते रहिए, भले ही काम हो चाहे ना हो, सिक्योरिटी गार्ड मना कर दे, भगा दे, कुछ भी हो, आप जाते रहिए। वो आपसे कोई भी रिस्पॉन्स दें आपको नहीं है, काम नहीं है, आप यहाँ बार बार बताइए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी आप जाइए, आप उसको अपना मंदिर बना लीजिए, रोज मत्था टेक के आइए। तो प्रोडक्शन हाउस से जाना बहुत जरूरी है, और जिद्दी लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए जिद्दी और ऑब्स्टिनेट हो जाइए, महाजिद्दी टाइप के आदमी बन जाइए। 50 बार आपको लोग मना करें पर आप 50 बार जाओ, इतने जिद्दी हो जाना है आपको। इसके अलावा मेरा जो 12वां पॉइंट है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव वैम्पायर्स को हटा दीजिए। जब आप महाड़ा जैसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे छोटे तबके से लोग आए होते हैं या छोटी मेंटेलिटी के लोग आए होते हैं, तो आप छोटे घरों में रहते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो बहुत निगेटिव मेंटेलिटी के होते हैं। खैर वो हर क्लास में मिलते हैं आपको, मिडिल क्लास में भी, अपर मिडिल क्लास में और अपर क्लास में मिलते हैं, निगेटिव वैम्पायर्स हर जगह पाए जाते हैं। निगेटिव वैम्पायर्स वो होते हैं जो आपके अंदर से सारी पॉजिटिविटी चूस लेते हैं, जैसे वैम्पायर्स ब्लड चूस लेते हैं या आपकी सारी पॉजिटिविटी चूस लेते हैं, तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे लोग हैं जो आपको कभी मिलेंगे, आप खुश घर आ रहे हो और एकदम से आपसे ऐसी बात करेंगे कि आप निगेटिव हो जाओगे। मुझे आज भी याद है कि मैं एक बार बहुत अच्छी मीटिंग करके कहीं से आ रहा था बैंड्रा से, तो मैं अपने घर के बाहर वड़ा पाव खाने के लिए रुका, तो वड़ा पाव की दुकान पे एक आर्टिस्ट खड़ा हुआ था जो एक्टर था, जो सालों से स्ट्रगल कर रहा था, उसको काम नहीं मिल रहा था। हम लोग उसे बता रहे थे कि कैसे हम लोग की मीटिंग बहुत अच्छी हुई, हम लोग फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो उसने निगेटिव करना शुरू कर दिया, कह रहे कुछ नहीं होता है, मुंबई इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल है, मेरे को भी 10 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, तब मुझे 2 साल हुए थे स्ट्रगल करते हुए, तो उसने बताया कि मुझे 10 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए और आज तक मेरा कुछ नहीं हुआ, बैकग्राउंड में इरफान खान के पीछे मैं नाचता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, पता नहीं क्या क्या निगेटिव चीज़ें बता रही थी। जब वो बता रहा था वो चीज़ें तो मुझे अफेक्ट नहीं कर रही थी, पर जब मैं घर गया तो जाके मैं भी चीज़ें सोचने लगा, वो चीज़ों ने मुझे अफेक्ट करना शुरू कर दिया और रात तक मैं निगेटिव हो चुका था अपनी सारी चीज़ों को लेके। सो बेसिकली एट टाइम्स आपको ये लग सकता है कि अगर कोई आपसे निगेटिव बात करेगा तो आपको अफेक्ट नहीं करती है, पर अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट मत करिए, बिल्कुल भी निगेटिव बातें सुननी नहीं है। जो भी निगेटिव आदमी आपकी ज़िंदगी में, कितना भी अच्छा दोस्त हो, उसको तुरंत के तुरंत काट दीजिए। मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं जिनको मैंने अपनी लाइफ से काट दिया जस्ट बिकॉज देवर वैम्पायर्स, देवर निगेटिव, दे वुड टॉक निगेटिव अबाउट एवरीथिंग। वो आपको मोटिवेशन के खोल में निगेटिविटी देंगे, कई बार बोलेंगे नहीं तो कर ले जाएगा, पर हाँ मुश्किल तो है, कर नहीं सकते, बहुत लोग नहीं कर पाते, पर तू कर ले जाएगा, पर ठीक है नहीं भी कर पाएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है तुमने लाइफ तो अपनी वेस्ट कर ही दी है, अब क्या, अब यही तो करना है तेरे को, मतलब अलग अलग तरीके से आपको डीमोटिवेट करते हैं। तो उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए और अपने आप को लगातार मोटिवेट रखिए। अपने माइंड को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है मुंबई में, जो कि करके रखिए, अपने माइंड को बचा के रखिए। इसके अलावा मेरा जो 13वां पॉइंट है वो ये है कि नेवर एवर मास्टरबेट।
मुंबई में आपको अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, जितनी एनर्जी हो सकती है आप उतनी एनर्जी अपने बचा के रखिए। वो एनर्जी आप अगर आपके बचती है तो आप एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, जिम करिए, पर मास्टरबेट मत करिए। और मुझे पता है कि ज़्यादातर लड़के सब मास्टरबेट करते हैं, ज़्यादा क्या सभी मास्टरबेट करते हैं, पर जितना आप उससे बच सकते हो उतना बचो। मतलब हफ्ते में एक बार करो, दो बार करो, ठीक है चलेगा, पर रोज़ रोज़ करोगे, चार चार पाँच पाँच बार करोगे, कई बार मास्टरबेशन इज़ लिंक टू डिप्रेशन एज वेल। मास्टरबेशन इज ऑल्सो हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब भी आप निगेटिव फील करते हो या रन आउट ऑफ द सिचुएशन फील करते हो, लाइक आपको इस सिचुएशन से भागने का मन करता है, यू मास्टरबेट एंड यू स्लीप, बिकॉज मास्टरबेशन आपकी लाइफ से एनर्जी सक कर लेता है, आपका मोटिवेशन सक कर लेता है, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं उनको वो सक कर लेता है, क्योंकि मास्टरबेशन करने में आपकी बहुत एनर्जी यूज होती है। इसलिए मास्टरबेशन जब आप करोगे तो आप फील करोगे ना आप लड़कियों में इंटरेस्टेड रहोगे ना आप काम में इंटरेस्टेड रहोगे, और आपको हर चीज लगेगी अरे ठीक है होता है, ठीक है नहीं होता तो कोई बात नहीं, तो आप जो मोटिवेशन है वो कभी फील नहीं करोगे। इसलिए मास्टरबेशन पर ध्यान दो कि मास्टरबेशन कम से कम करना है, हफ्ते में एक बार करना है, संडे संडे रख लो कि संडे के संडे में मास्टरबेशन करूंगा। पॉर्न जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको बैन कर दो, क्योंकि अगर पॉर्न बहुत ज्यादा देखोगे तो आप कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे उन चीजों पे। पॉर्न का एक साइड इफेक्ट ये है कि जब आप पॉर्न देख लेते हो तो आप घंटा भर पॉर्न देख रहे हो, आधा घंटा देख रहे हो, 10 मिनट देख रहे हो, डजंट मैटर। पॉर्न देखने के बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये होते हैं कि वो आपके दिमाग में चलता रहता है। इवन जब रात में भी आप, मान लो रात में आप पॉर्न देख के मास्टरबेट करके सोते हो तो रात में आपको वही सपने आएंगे। लास्ट के जो 10 मिनट की एक्टिविटी होती है आप उसी के बेसिस पे अपने सारे काम करते हो, आपके सपने भी उसी के बेसिस पे आते हैं। तो रात में मास्टरबेट करके मत सो, रात में पॉर्न देख के मत सो, क्योंकि अगर आप रात में पॉर्न देखोगे और मास्टरबेट करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आपको रात में वही थॉट्स आएंगे। रात में आपको सक्सेसफुल होने के थॉट्स आने चाहिए, एक्टर बनने के थॉट्स आने चाहिए, लोगों से मिलने के थॉट्स आने चाहिए, सेट पर रहने के थॉट्स आने चाहिए, बजाय इसके कि आपको मियां खलीफा के थॉट्स आ रहे हैं। सो पॉर्न जितना हो सकता है अवॉइड करो, हफ्ते में एक बार देखना है एक बार देखो, हफ्ते में एक बार मास्टरबेट करना है एक बार करो, दिन में दो तीन बार तो मास्टरबेट कभी मत करना। अगर एक बार मास्टरबेट करो तो और धीमे 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 करके कम करो, एकदम से कट नहीं कर पाओगे पर धीमे धीमे करके जैसे भी हो सकता है उसको कम करो। इसके लिए इसी से रिलेटेड है 14वां पॉइंट, वो ये है कि ऑलवेज लुक हैंडसम एंड ऑलवेज लुक एनर्जेटिक एंड ऑलवेज लुक रेडी टू गो। और ये तभी होगा जब आपके अंदर एनर्जी होगी, जिसके लिए आपका रनिंग करना और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक्सरसाइज का ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके जिम ज्वाइन कर लो और पैसा वेस्ट करो, नहीं, आप सिर्फ एक्सरसाइज करो, आप सुबह उठ के रनिंग करो, कमरे पे आके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, फैट बर्निंग एक्सरसाइज करो, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है आपके कंधे ठीक हो जाते हैं, आपका मसल्स बिल्डअप होने लगता है, आपका चेस्ट बाहर आता है, आपका चेहरा भी अच्छा लगता है। ऑयल जितना कम खाओगे उतना अच्छा है, ऑयल कम खाओगे चेहरे पर दिखेगा, चेहरा पतला हो अच्छा है, चेहरा गोल होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए जितना हो सकता है अपना ऑयल कम करो, ठीक है। सुबह सुबह बिल्कुल भी ऑयल मत खाओ, उबले अंडे खाओ, ब्रेड खाओ, बिना मक्खन के खाओ, मलाई लगा के खाओ, चाय पियो या ग्रीन टी पियो या जैसे भी कर सकते हो, मतलब सिर्फ रोटियां खाओ, पराठे पूड़ी सब काट दो, समोसा वड़ा पाओ सब काट दो अपने जीवन से, सिर्फ और सिर्फ रोटी पे कॉन्सेंट्रेट करो, ब्रेड पे कॉन्सेंट्रेट करो, सूखे अंडों पे कॉन्सेंट्रेट करो, उन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करो जिनमें ऑयल नहीं पड़ता है, ठीक है। और सिंथेटिक चीज़ें जैसे मैगी है, जैम है, इन सब से भी दूर रहो थोड़ा सा, तो आपको करना पड़ेगा। मतलब विराट कोहली ने कितने सालों से छोला भटूरा नहीं खाया है, अनिल कपूर ने 30 साल से समोसे नहीं खाए हैं, तो इन लोगों का ध्यान रखना पड़ता है अपनी हेल्थ का। तो अगर आप फील करते हो कि आप एक्टर बनना चाहते हो तो एक्टर जैसा ऑलरेडी फील करो। जब आप ऑडिशन के लिए जाते हो तो पहली चीज़ जो सामने वाला नोटिस करता है वो आपकी एनर्जी होती है। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप थके थके वहाँ पर जा रहे हो, कंधे आगे झटका के आगे जा रहे हो, तो वो कभी आपको सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके पोस्चर ही इतना नेगेटिव है, आपकी थिंकिंग, आपका आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपकी थिंकिंग जस्टिफाई हो रही है, दिख रही है, मतलब समझ में आ रही है कितना नेगेटिव बंदा है। उस बंदे को कभी पसंद ही नहीं किया जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही नेगेटिव टाइप की होती है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमेशा एनर्जेटिक रहो, मास्टरबेट मत करो और ऑयल के बिना खाना खाओ। जितना ऑयल के बिना खाना खाओगे उतना अच्छा रहेगा, और अपनी बॉडी को टेम्पल की तरह ट्रीट करो। जितना हेल्दी होगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे। बहुत भागा दौड़ी होगी, 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा, 10-10 घंटे स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयार रहो, अपने आप को तैयार करो। जो लोग सोचते हैं कि मैं अपने गांव में हूं, अपने शहर में हूं, मुझे एक टाइम में मुंबई जाना है, तो आज से तैयारी शुरू कर दो, आज से ही अपने आप को एक्टर फील करना शुरू कर दो और एक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर दो। जिस तरह से एक्टर अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं, आप भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दो। और जो फाइनल पॉइंट है 15th, वो ये है कि अगर आपको कभी किसी से मिलने का मौका मिल जाता है तो अपने होम टाउन की कभी भी बात मत करो, अपनी प्रॉब्लम्स की कभी बात मत करो। बहुत लोग होते हैं जो उनको लगता है कि अगर वो किसी बड़े आदमी से मिल लें, अगर उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो वो सिंपैथेटिक हो जाएगा और उनकी हेल्प करने लगेगा, पर एक्चुअली इसका उल्टा होता है। अगर जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि मतलब किसी की मजबूरी देखी, किसी आदमी ने उसकी हेल्प कर दी, दुनिया में कभी भी कोई भी आदमी किसी मजबूर की मदद नहीं करता है। दुनिया की सच्चाई ये है, ये जो चीज़ें हैं जो फिल्मों में होती हैं वो राइटर्स का थॉट इसलिए होता है क्योंकि राइटर चाहता है कि दुनिया इस तरह से काम करे, पर उस तरह से दुनिया काम नहीं करती, दुनिया उल्टी तरीके से काम करती। जो भी आप फिल्मों में देखते हो उसको उल्टा कर दो, वही सच्चाई है। तो सच्चाई ये है कि लोग उनकी मदद करते हैं जो ऑलरेडी कैपेबल होते हैं, लोग उनको पैसा देते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा होता है। तो इसलिए अपने होम टाउन के बारे में उल्टी सीधी बातें मत करो कि मेरा होम टाउन बहुत गरीब है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ,
हूँ, मैं बहुत पिछड़े वर्ग से हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। आपको जो लगता है कि जो आपकी सॉब स्टोरी है जिसमें कि आप बताते हो कि मैं बहुत ही भूखा रहता था, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, मैंने किसी तरह अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, मुझे बहनों की शादी करनी थी, वो सुनने में आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है कि सामने वाला सिंपैथेटिक हो रहा है और सामने वाला एक्टिंग करता है सिंपैथेटिक होने की, अरे यार तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, बट उससे कभी भी कुछ भी निकल के नहीं आएगा, सामने वाला कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। पीपल वॉन्ट टू हेल्प स्ट्रॉन्ग पीपल, पीपल वॉन्ट टू हेल्प दोज पीपल हु कैन हेल्प दम सेल्फ, पीपल वॉन्ट टू हेल्प पीपल हु आर वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड कैन डू एनी थिंग, दे आर रेडी टू पुट योर पुट देयर एफर्ट ऑन यू, दे आर गोइंग टू मेक यू मीट अदर पीपल, दे आर ऑल्सो गोइंग टू मेक यू मीट और मे बी गिव यू चांस इन दियर फिल्म, सो दे वॉन्ट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं, अगर आप हमेशा रोते रहते हो, रोने वाली कहानी सुनाते रहते हो, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो ये मेरे 15 पॉइंट थे, आई गेस 15 पॉइंट ही थे। तो ये 15 पॉइंट अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो ये तरीके थे जो मुझे लगता है कि मुंबई में एक एक्टर को जो स्ट्रगल करता है उनको नहीं पता होते हैं, वहाँ पे जाते हुए धीमे धीमे उनको पता चलते हैं, जब तक पता चलते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है और उनकी उम्र निकल चुकी होती है और वो फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट बनने के लिए ही रह जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को फॉलो करिए, मुंबई जाने से पहले इन चीज़ों को रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए और उसके बाद मुंबई पहुँचिए। आपको सक्सेसफुल होने से बहुत ही कम लोग रोक सकते हैं, मतलब शायद कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और सितारे यादव, मुझे लगता है कि तुम्हें इस जो सवाल तुम बार बार पूछते रहते हो उसका जवाब तुम्हें मिल गया होगा, और इनको फॉलो करो और सेम कॉमेंट करना बंद करो, अलग अलग सवाल पूछो, एक ही सवाल बार बार मत पूछा कर भाई। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय।